भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं भाई शादी के क्या क्या फायदे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शादी के बहुत से फायदे हैं। शादी क्यों करते हैं? पहली बात तो इंसान है ना, बुरी चीजों से पूरे कामों से बच जाता है, गैदरिंग खत्म हो जाती है, फिर एक उसकी ना एक अलग ही जिंदगी शुरू हो जाती है। और शादी करने के बाद किस किस चीजों से पछताना पड़ता है? शादी के बाद देखो ये कहने की बात है, किसी चीज से पछताना नहीं पड़ता, किसी चीज से पछताना नहीं पड़ता, सब कुछ सही चलता है। बस इंसान नियत कर ले कि बस मैंने खुश रहना है और जो आने वाली है उसको खुश रखना है। भाई मेरी शादी तो हो नहीं रही, मुझे कोई लड़की मिल नहीं रही ना कोई लड़की दे रहा है। एक जगह मेरी रिश्ते की बात चली थी तो उन लोगों ने बोला कि इसकी फूफो के लड़के सही मिले। माय गॉड, वाओ, फूफो के लड़के सही नहीं है, मेरी खाला के बेटे सही नहीं है, मेरे को छोड़ के मेरे खानदान में कोई भी सही नहीं है, और हमारे रिश्तेदार तो इस कदर डेंजर में से डी हटा के खेल लगा दो वो वाले लोग। बाकी ये इस भाई के लिए दुआ है कि इसकी शादी हो जाए, और यहाँ रूल होना चाहिए वो चाइना वाला कि दो बच्चे अलाव में से ज़्यादा नहीं कर सकते। तुम तुम्हें तो लड़की भी नहीं देखा, तुम क्या करोगे? गजब बेइज्जती है। नहीं हमारी हमारी गवर्नमेंट सही है मगर हमारी आवाम सही नहीं है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। अगर तुम्हारी शादी होती है, अल्लाह करे हो जाए, आसान नहीं है ना तुम्हारी शक्ल है शादी वाली, फिर भी अगर हो जाती है, कोई गलती से अपनी लड़की दे देता है, मतलब वो जला रहा हो तुम बोलो मुझे दे दो और ने तुम्हारे पे रहम खा के दे दिया। भाई शादी इंसान क्यों करता है? तो पता ही क्या, इंसान शादी करने के बाद ना खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर शादी का खर्चा देखो ना तो बेगम का जो खर्चा होता है ना वो बाहर की चार औरतों से ज़्यादा होता है। रुको जरा, सबर करो। फिर भी मर्द शादी करता है, और अगर मर्द चाहे तो शादी ना करे। लेकिन ये है शादी के ये फायदे कि जो पूरी सोबत होती है, संगत होती है, ख़त्म हो जाती है, फालतू जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक्स्ट्रा खर्च किस पे होता है? एक्स्ट्रा खर्च किस पे होता है? जैसे कि आपने गाड़ियाँ तैयार कर ली हैं, आप घूमने निकले हो, रियासियाँ चल रही हैं, तो ये फालतू खर्च होता है। फिर इंसान बोलता है नहीं यार अब मेरी बीवी है, कल को बच्चे भी होने तो पैसों को सेव किया जाए। होने बच्चे होने वैसे आपकी कितने बच्चे कितने होने चाहिए? क्योंकि एक्सपीरियंस है शादी नहीं है, कंपनी कंपनी के ओनर रह चुके हो, ये बताओ कि बच्चे कितने होने चाहिए? इस दौर में तो मेरा यहाँ तक पहले एक ही होना चाहिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर ज्यादा ही अगर हो तो बस दो, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि बात पता है आप अफोर्ड नहीं कर सकते आज के दौर में। ये भाई भूल गए ये पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ एक बाइक पे भी चार बच्चे और एक बेगम बैठती है। ये इंसान की है ना सोच होती है, देखिए आप दो बच्चे करें खुश रहें, छोटी सी फैमिली होगी क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, क्योंकि आपकी ना जॉब है। यहाँ तो देखो कोटा सिस्टम है, बाप हटेगा तो बेटा बैठेगा, बेटा हटेगा तो उसका बेटा बैठेगा, यहाँ पे आपको तो जॉब पे मिलनी नहीं है। दूसरी बात क्या, आपने मजदूरी ही करनी है, आप आज 500 की मजदूरी कर दो कल आपको शादी हो जाएगी, आप 1000 की मजदूरी करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 की मजदूरी करोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मजदूरी के अंदर सिर्फ इतनी दिहाड़ी है, इतने दिहाड़ी के अंदर सिर्फ आप